और ये बात याद रखें, मेरे मौला की शान बहुत अरफो आला है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ले की शान ये है कि वो सबसे ज्यादा उज्र कबूल करने वाला है। अगर कोई अपने रब की बारगाह के अंदर कोई उज्र पेश करे तो वो उज्र को कबूल फरमाता है। ये बंदों का मामला है कि बंदों की सिचुएशन ये है कि अगर कोई गलती हो जाए तो बंदा उस गलती के सिलसिले में कोई उज्र पेश करना चाहे तो कोई उज्र उसकी सुनवाई नहीं होती, बल्कि आदमी को धक्का देकर निकाल दिया जाता है, डराया जाता है, उसे धमकी दी जाती है और कोई उज्र भी नहीं सुना जाता। लेकिन मेरे रब की शान बहुत अरफो आला है, वो अपने बंदों के उज्र को कबूल फरमाता है। और यहां पर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने उज्र करने का मौका ही नहीं दिया कि कयामत में कोई बंदा ये उज्र कर सके, इसलिए उज्र से पहले उसका इजाला फरमा दिया कि मेरे बंदो ये न कहना कि कोई रसूल नहीं आया था जो हमें रास्ता दिखाता, कोई रसूल नहीं आया था जो हमें गुनाहों से बचाता, कोई रसूल नहीं आया था जो तेरे अजाब से डराता, कोई रसूल नहीं आए थे कि जो हमें तेरी नेमतों के हवाले से और जन्नत के हवाले से बताते। इसलिए परवरदिगार जल्ल जलालहू ने रसूलों को भेजा ताकि कोई उज्र कयामत में बाकी न रहे। अब दुनिया में आप देख ले, अगर इंसान से कोई लग्जिश हो जाती है, खता हो जाती है और इंसान अल्लाह की बारगाह के अंदर रो धो के तौबा और माफी मांगता है, बंदा करीम, बंदा जो है वो अल्लाह की बारगाह से माफी हासिल कर लेता है, वो करीम है। जब कहता है मौला मैंने मेरी जान पर जुल्म किया, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, मौला की रहमत को प्यार आ जाता है। लेकिन ये दुनिया की हद तक है। कयामत के दिन बंदा उज्र पेश नहीं कर सकेगा इस सिलसिले में कि मेरे मौला तूने कोई रसूल तो नहीं भेजा था जो हमें हिदायत की बात सुनाता और हमें राह जन्नत दिखाता और राह दोज़ख से बचाता। तो अल्लाह ने उज्र को पहले ही रफा फरमा दिया, उज्र का मौका ही नहीं दिया। तो रसूल इसलिए भेजे गए ताकि परवरदिगार जल्ल जलालहू की बारगाह के अंदर कयामत के दिन लोग उज्र पेश न कर सकें कि हमें जन्नत और दोज़ख के हवाले से कुछ मालूम न था और इताअत के सिलसिले में हमें किसी ने खुशखबरी नहीं सुनाई थी और नाफरमानी के एवज के अंदर हमें किसी ने जहन्नम से नहीं डराया था। तो रसूल की आमद का मकसद अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की तरफ से उज्र के इजाले के लिए है और हुज्जत तमाम करने के लिए है। हालांकि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, परवरदिगार जल्ल जलालहू की बारगाह के अंदर कोई हुज्जत, कोई आर्गुमेंट करने की ताकत नहीं रखता। वो जो चाहे करे, फ़ालुल लिमा युरीद। लेकिन फिर भी मेरा रब चूंकि करीम है और अदल उसे पसंद है, इसलिए बंदों के लिए ये उज्र को रफा फरमा दिया कि रसूल भेजे ताकि बंदे के पास कोई उज्र बाकी न रहे। अब यहां मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ए रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, जुम्मा की वजह से और किताबों के जरिए क्या हमारे उलमा आज मुसलमानों तक और लोगों तक अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालहु व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात नहीं पहुँचाते? लोग सुनते हैं, सुनने के बाद भी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से सुनी अनसुनी कर रहे हैं, अमल करने के लिए तैयार नहीं होते। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह ने हमारी हिदायत के लिए रसूल भेजे, राह दिखाने के लिए रसूल भेजे, अल्लाह के अजाब से डराने के लिए रसूल भेजे और उन्होंने डराया और इतना डराया, इतना डराया, इतना डराया
कि उनके ज़माने में जो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान थे वो इतने डरे कि अल्लाहु अकबर, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों के गुनाह के तसव्वुर से और बारगाह समदियत में हाजरी के तसव्वुर से लरस जाते थे कि हम अपने करीम की बारगाह में क्या जवाब देंगे और कैसे जवाब